हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे पास है क्रॉन ग्रेव्स का हैंड लोगो हाई स्पीड 48 इंच सीलिंग फैन, और ये 90s का है, तो 1996 से बिलोंग करता है ये फ़ैन। क्या प्रॉब्लम हुई है अभी, ये फ़ैन का बैरिंग नॉइज़ तो हो गया, बैरिंग ख़राब हो गए, और वाइंडिंग शायद से मेरे को लग रहा है कि उसका पावर कम हो गया, बिकॉज देर वॉज वाटर इन दिस मोटर, बिकॉज दिस वॉज फैन वॉज लेफ्ट ऑन द टेरिस, सो लाइक आई हैव टू सॉल्व दिस। तो अभी क्या है, इसको देखना पड़ेगा कि अगर कुछ होता है कि आई विल ट्राई टू लाइक कीप इट इन द सनलाइट एंड मेक इट ड्राई सो दैट द फैन टेक्स RPM अगेन। नाउ इट्स रियली वेरी स्लो एंड द बेयरिंग हैव टू बी चेंज, बिकॉज दिस नॉइज विल नॉट गो अनलेस एंड अंटिल द बेयरिंग्स आर इन चेंज। सो अभी कैसे लॉकडाउन है तो मेरे को पता नहीं कि बेयरिंग्स मिलेंगे कि नहीं फिलहाल, तो इसलिए देखते। सो ये देखिए मोटर बहुत धीरे चल रहा है फ़ैन, लाइक HS टाइप का परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या करता हूँ, इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ फैन को, और फिर इसको रिस्टोरेशन करने का है पहले, तो रिस्टोरेशन करने चालू करते हैं पहले, इसको थोड़े दिन के बाद छोड़ते हैं, अगर सूख गया जल्दी और अगर स्पीड वापस ले रहा है तो मैं रिस्टोरेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके अगले वाले वीडियो अगर कंटिन्यू होता है समझ जाओगी कि रिस्टोरेशन कर रहा हूँ और फ़ैन चल रहा है। तो ये है फ़ैन की प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं है कि मैं रिस्टोरेशन नहीं करूँगा, और ये जी लोगों के कैनोपी से देखो तो ये जीरो के कैनोपीज भी मुश्किल से मिले मेरे को काफ़ी, और ये लेबल थोड़ा सा जो बचा है वो है इधर, तो लाइक कंडीशन बहुत ख़राब है, काफ़ी ख़राब है फैन की, तो इसको रिस्टोरेशन तो करना पड़ लगता है मेरे को करना चाहिए। तो अगर नीड हुई तो मैं रिवाइंडिंग कराऊंगा, नहीं हुई तो मैं नहीं कराऊंगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, अगर रिस्टोरेशन हुआ तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। तो लेट मी लाइक डिसअसेंबल द फैन एंड लेट मी शो यू द फैन आफ्टर अ फ्यू डेज। तो हाँ चलेगा, और ये कैसे है, इसका शैंक भी मतलब काफ़ी अच्छा है कि रश नहीं हुआ है, आई वॉज लाइक लकी इनफ बिकॉज 90s के शैंक रश हो जाते हैं, तो वही बस लेट्स स्टार्ट। तो अभी देख सकते हो कि क्या हो गया है, ये मैंने मोटर तो खोल दी है पूरी, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि कैपेसिटर अभी नहीं है। तो कलर देख लो, मैंने लोअर कवर ऑलरेडी ये हो गया था, रब हो गया था, तो ओपन करके आ गया है, और जो अपर कवर उसकी कंडीशन ख़राब है। तो और ये है कॉइल, तो कॉइल को रिवाइंड नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि ये ड्राई अप हो गया, मैंने इसको 15 डेज ऊपर टेरेस पे रखा और ये सनलाइट में ड्राई हो गया और अभी रन कर रहा है 390 पे। डाउन रोड है, लोकल टाइप है, तो अभी रख दिया इसको। चलो पेंटिंग चालू करते क्या है, मेरे कैपेसिटर अब भी नहीं मिला क्योंकि मार्केट अभी भी नहीं चालू नहीं हुआ था, तो मैंने जितना उसका सैंडिंग कर लिया, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी सैंडिंग की क्योंकि प्लेन सर्फेस हो गया उतना ही मतलब है हमको। तो सैंडिंग तो हो चुका है, ब्लेड को भी थोड़ा बहुत कर लिया मैंने ज़रा जितनी थी, तो देख सकते हो आप कैनोपी को भी थोड़ा कर लेने का ताकि शाइन उसका चला जाए और उसके ऊपर पेंट सेट हो पाए बराबर से। तो हाँ, और ये वाइट बोर्ड का पीछे वाला हिस्सा जो वॉल पे लगता है, तो डोंट टेक लाइक डोंट थिंक दैट आई एम डिस्ट्रॉइंग अ बोर्ड। तो ये है ब्लेड, रिवेट्स वर सिल्वर अर्लियर, आपको शायद ये ना पता हो। तो ये है, इसका लेबल चला गया, देखो मैंने सैंड कर दिया, तो ये मैंने 80 और 150 से सैंड किया है, और ये हैंड लोगो दिख रहा होगा आपको, एम्बॉस्ड रहता है, अभी क्रॉम्पटन लिखा रहता है एम्बॉस्ड में। तो अभी मैं जो कलर करने वाला हूँ वो थोड़ा अलग टाइप का कलर है, ये मेरे को पता नहीं था, ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, तो कलर बहुत अच्छा बना, तो देख लो। अभी मैंने क्या किया था, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लू कलर, थोड़ा ये दोनों वाइट ही थे, तो वाइट थोड़ा बचा था जिसमें, तो वाइट और ब्लू कंबाइन करने के, और वाइट और ब्लू से मैंने एक शेड बनाया था जो अलग ही शेड था कुछ, जो मेरे को बहुत पसंद आया। तो अभी देख लेना आप कैसा है शेड, एंड डू लाइक टेल मी हाउ इट इज़, लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। तो ये कलर देखो, ये शेड ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये बहुत लाइट शेड में है, एकदम लाइट शेड ब्लू का, बहुत स्काई ब्लू टाइप इट इज़, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मैंने क्या किया, वाइट के अंदर थोड़ा सा ब्लू ऐड किया, ब्लू के अंदर वाइट नहीं डाला, तो ब्लू के अंदर वाइट डालोगे तो मेरे को कलर मिलेगा जो डेगर किया था मैंने, डेगर 4 ब्लेड वाला ब्लू कलर, तो वो कलर मिलेगा। तो मैंने वाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू डालते गए, जब तक कलर बना तब तक मिक्स किया, और वन कैप भर के मैंने थिनर डाल दिया ताकि पेंट बहुत थिक ना हो जाए। तो लाइक स्टार्ट है, तो देख सकते हो पेंट बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, वाइट और आइवरी इन सबसे मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, तो अलग ही चढ़ा। मैं आइवरी करने वाला था लेकिन मेरे को ये कलर अच्छा लगा, सोचा मैंने ये कलर कर लेता हूँ, क्योंकि आइवरी मेरे पास ऑलरेडी है HS न्यू वाला आइवरी कलर, तो मैं सोचा कि ये कलर ट्राई कर लेते। तो ये ब्लू काफ़ी अच्छा लगा, अभी शायद आपको ना समझ रहा हो लेकिन देख लो, अभी एक्चुअल ब्लू कलर ये पूरा हो चुका है। डाउनलोड को मैंने साइड में कर लिया, पेंटिंग साइड में रखा हुआ है,
तो ये ऊपर साइड में हो गया, तो उसको अभी नेक्स्ट डे तक सूखने देने का, फिर नेक्स्ट डे पे उल्टा करके दूसरे साइड करने का। तो ऐसे ही शायद कोटिंग होगी, तो शायद कर लेते हैं। तो थोड़ा उसको इधर को डाउनलोड साइड में रखे थे जो मैंने बताया था, इग्नोर द रूम बिकॉज देर इज़ सम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉब्लम, तो खुला हुआ है, दैट विल बी रिपेयर्ड सून, लाइक इट इज़ रिपेयर्ड नाउ, द वीडियो आई वाज टेकिंग 3 months अगो, इट वाज नॉट लाइक रिपेयर्ड दैट टाइम। तो पेंट देख सकते हो आप, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, तो लेट इट लाइक एंड ऑल्सो डेड अ सेकेंड कोट इन द बिहाइंड द सीन्स, देख सकते हो सेकंड कोट भी हो चुका है, फर्स्ट कोट से काफ़ी नहीं हो रहा था उतना, वो ब्राउन ब्राउन पे दिख रहा था पूरा, तो कलर एक्चुअल देखो अभी, तो आई होप यू विल लाइक द कलर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको असेंबल कर देता हूँ, ये सूख चुका है, मैंने दूसरे साइड में बिहाइंड में किया। तो ये है मोटर, कैनोपीज एंड द रॉड, तो ओरिजिनल रॉड तो नहीं है, कैनोपीज भी जग जी लोग हैं, बट इट इज़ लुकिंग ऑसम, और ब्लेड्स है और स्क्रूज़, इनको मैंने नहीं किया क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि स्क्रू का जो पेंट होता है, तो ये है ऐसे, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, अगर ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब किधर भी मतलब इम्परफेक्ट आया, तो और मोटर देखो कितना शाइन कर रहा है, तो मोटर भी बहुत शाइन कर रहा है, फिनिशिंग काफ़ी लाइक काफ़ी हद तक मैं एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा है, तो ये है। और फिर उसके बाद ये इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता हूँ सीलिंग पे, पीओ पी सीलिंग पे, तो ना आफ्टर इंस्टॉलिंग लेट मी शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ द फैन, प्लीज टू चेक दैट परफॉर्मेंस एंड टेल मी हाउ यू लाइक दैट, आई होप यू लाइक इट, तो अभी देख लो परफॉर्मेंस कैसा है और बताओ मेरे को। तो गाइस इसको इंस्टॉल कर दिया मैंने, चालू करके टेस्ट की है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मेरे को अच्छा लगा फैन। तो अगर आपको एक परफॉर्मेंस देखना है तो मैं चालू करके दिखा देता हूँ आपको वो भी, और देख लो परफॉर्मेंस, और कलर देख सकते हो, ये अवानसर बेकर्स ब्रांच जिधर पहले था, मैंने हाई फ्लो की वीडियो में दिखाया था, तो वही रूम है ये, वहाँ पर लगा दिया है मैंने फ़िलहाल के लिए। तो लेट मी स्टार्ट द फैन, वो RPM तो फटाफट ले गया है, इतना दूर तक नहीं आ रहा क्योंकि अभी ओल्ड एजेस का जॉइंट एंगल बहुत कम होता था, तो ठीक है, लाइक अगर बेड के ऊपर बराबर फैन लगाना तो ये बेस्ट है, और अभी जो मिलता है वो भी बेस्ट ही है, तो नो डाउट RPM आपको लग रहा होगा कम है, सच्ची में इट्स 390 RPM, वो क्या है थोड़ा वीडियो में स्लो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड ऑल, तो लेट मी स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट एंड शो, तो देख सकते हो आप काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है कलर ये। तो अभी देख सकते हो फ़ैन तो बंद कर दिया, लेकिन हाँ इसका स्पिन डाउन टाइम लाइक नॉर्मल एचेस जितना ही है, तो मेरे को लगा कि बैरिंग का साउंड होगा, लेकिन बैरिंग का साउंड नहीं था, सो लाइक आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू चेंज द बैरिंग्स, बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑल्सो, ये क्या है सनलाइट में फ़ैन थोड़ा और लाइट कलर दिख रहा है, अभी डार्क लग रहा होगा आपको, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो क्या क्या आपको लगता है कि जो करना चाहिए, और भूलो मत सब्सक्राइब करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है लिंक में, उसको फॉलो करो।